नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। साउथ नोएडा शहर का नया फेस बनेगा। इसका फायदा नोएडा के दूसरे सेक्टर्स को भी मिलेगा, यही सोचकर नोएडा अथॉरिटी ने साउथ नोएडा की नींव रख दी है। लेकिन रियल स्टेट के मौजूदा हालात को देखते हुए ये इतना आसान नहीं था। अब जैसे ही जेवर एयरपोर्ट के काम ने रफ्तार पकड़ी तो मानो रातों रात साउथ नोएडा की किस्मत ही बदल गई। आधा दर्जन से ज्यादा देश के बड़े बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर लोग अब यहां बसना चाहते हैं। इसकी वजह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद भी है। 1500 एकड़ में बनने वाले पार्क वेटलैंड की वजह से इसे नोएडा का हार्ट भी कहा जा रहा है। जानकारों की माने तो साउथ नोएडा बेशक नोएडा का एक हिस्सा है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी की वजह से हरियाणा के दो बड़े शहर गुड़गांव और फरीदाबाद के एकदम नजदीक आ गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वजह से साउथ नोएडा हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद के नजदीक आ गया है। वहीं FNG की कनेक्टिविटी के चलते गाजियाबाद और फरीदाबाद पास हो जाते हैं। ये दूसरी कनेक्टिविटी है जो नोएडा और फरीदाबाद के फासले को कम कर देती है। तो रातों रात साउथ नोएडा की किस्मत चमकती हुई नजर आ रही है। कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जगह है वो मुख्य शहरों को जोड़ती है, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे वो फरीदाबाद हो। ये जो जगह है, यहां से जो सड़कें निकलेंगी वो सीधा कनेक्ट हो जाएंगी हरियाणा से। तो इससे बहुत फायदा हो सकता है, रोजगार को लेकर, पर्यटन को लेकर, तमाम और चीजों को लेकर बेहतरी नोएडा की हो सकती है। ऐसे में पूरी तैयारियां साउथ नोएडा को और ज्यादा चमकाने की शुरू हो गई है। उत्तर कोरिया में अपने तानाशाही फैसलों के लिए चर्चे सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन अपने देश में नियमों को और भी सख्त कर दिया है। उत्तर कोरिया में कुछ समय पहले ही एक कानून पास हुआ है जिसके मुताबिक कोई भी शख्स अगर दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की मीडिया से जुड़ा कंटेंट शेयर करता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है। दक्षिण कोरिया में प्रचलित आपत्तिजनक शब्दों और आम बोलचाल की भाषा को भी बैन लिस्ट में शामिल किया गया है। दक्षिण कोरिया के हेयर स्टाइल और विदेशी फैशन पहले ही बैन है। लोगों का कहना है कि उत्तर कोरिया की भाषा सर्वश्रेष्ठ है और उन्हें दक्षिण कोरिया में इस्तेमाल होने वाली भाषा इस्तेमाल करने पर मौत की सजा तक हो सकती है। आपको बता दें कि किम जोंग इन तमाम फरमानों को लेकर पहले से ही चर्चा में बने रहते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने यह भी ऐलान किया है कि अगर कोई दक्षिणी कोरिया, जापान और अमेरिका की मीडिया को फॉलो करता पाया गया तो उसे 15 साल जेल में बिताने होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज के प्रोफेसर योंग मू जिन ने कोरिया हेरोल्ड के साथ बातचीत में कहा है कि किम जोंग उन खुद स्विट्जरलैंड में पढ़ते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि कोरियन पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर बेहद आसानी से उत्तर कोरिया के यंग लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से ये बड़ा कानून बनाया गया है। अगर आप अमेरिका को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं उत्तर कोरिया में, तो आपको मौत की सजा भी हो सकती है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करते हैं तो उत्तर कोरिया में आपको 15 साल की सजा तक का प्रावधान निकाल दिया गया है। इराकी राजधानी बगदाद के उपनगर में सोमवार को सड़क किनारे हुए बम धमाके में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। सूत्रों की माने तो विस्फोट सदर शहर में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में हुआ। यह विस्फोट ईद उल अजहा से एक दिन पहले हुआ है, जब लोग बाजार में खरीदारी में व्यस्त थे। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इस्लामिक स्टेट पहले ही हमले की जिम्मेदारी लेता रहा है। प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने बाजार के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार संघीय पुलिस रेजिमेंट के कमांडर को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। इसकी जांच की जा रही है। इस साल ये तीसरा मौका है जो बाजार में विस्फोट हुआ।
सूत्रों की माने तो 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। विस्फोटक के कारण कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई। इराकी सेना ने एक बयान में कहा है कि हमला सदर शहर के वहलत बाजार में हुआ है। तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण विस्फोट है। कई लोगों की जान चली गई है। अभी संख्या फिलहाल 25 बताई जा रही है, लेकिन 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से बहुतों की हालत गंभीर है। तो मौत की जो पुष्टि हुई है उसका आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इराक की राजधानी बगदाद में ये बम विस्फोट हुआ है, जो कि एक बाजार में हुआ। बाजार में इस समय भीड़भाड़ थी क्योंकि ईद उल अजहा को लेकर लोग खरीदारी कर रहे थे। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, युवा इसमें शामिल थे। कईयों की जान चली गई है और फिलहाल इस समय इराक में काफी ज्यादा गमगीन माहौल बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 25 लोगों की मौत हो गई है इस विस्फोट में और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आतंकी जो है वो किसी भी देश में लगातार आक्रामक रूप से बमबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम देशों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी लगातार हमला कर रहे हों, या फिर इस हमले की हम बात करें जो कि इराक की राजधानी बगदाद में हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान में भी बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कई चीनी नागरिकों की जान चली गई थी। चीन पाकिस्तान से काफी ज्यादा खफा नजर आया था और अब इराक की राजधानी बगदाद में बम विस्फोट की हुआ है। आपको बता दें कि ईद उल अजहा का एक दिन बाकी है और बाजारों में इस समय भीड़ देखी जा सकती है। चीन पर एक गंभीर आरोप लगा है। इन दो देशों ने एक बड़े साइबर हमले का आरोप अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने सोमवार को चीन के खिलाफ एक बड़ा साइबर हमला करने का आरोप लगाया। यह हमला माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर पर किया गया, जिससे दुनिया भर में कम से कम 30,000 सर्वर प्रभावित हुए थे। ब्रिटेन ने इस हमले के लिए चीनी सरकार ने समर्थित पक्षों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं यूरोपीय संघ ने कहा है कि हमला चीनी क्षेत्र से किया गया। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी पर भी व्यापक जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने और गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया है। चीन इससे पहले भी हैकिंग के आरोपों को सिरे से नकारता रहा है और कहता है कि वो सभी तरह के साइबर अपराधों के खिलाफ है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले भी दूसरे देशों के चलाए गए साइबर हमलों के खिलाफ खुलकर सामने आते रहा है, लेकिन इस मामले में यूरोपीय संघ ने चीन का नाम लिया, जो कि बताता है कि हैकिंग की इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया गया है। पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक चीन का व्यवहार काफी गंभीर था और यह व्यवहार इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ब्रिटेन में नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने 70 से ज्यादा प्रभावित संस्थाओं को उनकी विशेष स्थिति के अनुरूप सुझाव दिए हैं ताकि वे इस हमले का सामना कर सके। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इन देशों ने बड़े साइबर हमले का आरोप चीन पर लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हैकिंग की तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर सामने आई है और ये माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें चीन इन आरोपों को सिरे से नकारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो चीनी साइबर सेल है वो पूरी तरीके से तमाम जो दूसरे देश हैं उन पर नजर बनाए हुआ है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन को दो टूक कह दिया गया है। अगर इस तरह के साइबर हमले वो यूं ही अमेरिका और ब्रिटेन पर करता रहा तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और बड़ा फैसला वैश्विक स्तर पर लिया जा सकता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव की खबरों के बीच दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की नई पहल के संकेत मिले हैं। सऊदी अरब में बेहद ताकतवर माने जाने वाले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद सोमवार को रियाद पहुंचे। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसियों ने इस मुलाकात को लेकर जानकारी दी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों क्राउन प्रिंस की मीटिंग के दौरान दोनों देशों के 3-3 आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के एक दिन पहले दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने तेल उत्पादन को लेकर एक समझौते का ऐलान किया था।
प्रिंस शेख मोहम्मद और प्रिंस सलमान के बीच हालिया क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि दोनों ही प्रिंस को उनके देशों में सत्ता के अधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है और अक्सर ये अटकलें भी लगाई जाती हैं कि क्षेत्रीय प्रभुत्व, व्यापार और निवेश को लेकर इनके बीच झगड़ा दिखा है। दोनों क्राउन प्रिंस के बीच उम्र का बड़ा फासला है। प्रिंस शेख मोहम्मद करीब 60 साल के हैं, जबकि प्रिंस सलमान की उम्र करीब 35 साल है। किसी वक्त दोनों के रिश्ते बेहद गहरे बताए जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके बीच भाइयों जैसा रिश्ता था, लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस मुलाकात से कहीं ना कहीं ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच एक बार फिर से दोस्ती बेहद गहरी हो सकती है। तो दोनों की मुलाकात का मकसद क्या है, इस पर विश्व की नजर है, लेकिन अब तक चीजें साफ नहीं हो पाई हैं। तीन तीन आला अधिकारी दोनों की तरफ से मौजूद रहे हैं। हालांकि ईद उल अजहा से पहले मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ एजेंसियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक फॉर्मल मुलाकात थी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि मुलाकात सिर्फ ईद उल अजहा को लेकर थी। लेकिन कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि ये मुलाकात जो है वो दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे वो आयात निर्यात को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर इन मुलाकात का एक जो विकल्प है वो दिखाई देता हुआ नजर आता है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन अब भारत को घेरने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक नया वायु सैनिक अड्डा बना रहा है। शिनजियांग प्रांत के साक्चे इलाके में युद्धक विमानों के संचालन के लिए बनाया जा रहा यह एयरबेस इस क्षेत्र में चीनी वायुसेना की कमी को पूरा करेगा। भारत सरकार के एक और सूत्र ने बताया कि लड़ाकू विमानों के लिए बन रहा चीन का यह नया एयरबेस काशगर और होंगांग के मौजूदा एयरबेसों के बीच में आता है। ये दोनों एयरबेस लंबे समय से भारतीय सीमा पर लड़ाकू अभियानों के अंजाम देने की कोशिशों में लगे रहते हैं। उन्होंने बताया कि साक्चे शहर में पहले से ही एक एयरबेस है और इसके लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपग्रेड भी किया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द तैयार करने के लिए इस पर काम तेज भी कर दिया गया है। इस एयरबेस के तैयार होने से पहले चीन में LAC के करीब लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए मौजूदा एयरबेसों के बीच की दूरी लगभग 400 किलोमीटर थी, लेकिन साक्षी एयरबेस के संचालन के बाद ये खाली क्षेत्र नए बेस से भर गया है। तो भारत को घेरने की तैयारी में है ड्रैगन और नए एयरबेस की तैयारी ड्रैगन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस शहर में, जिस शहर में दोबारा से एयरबेस बनने जा रहा है, पहले से ही एक बड़ा एयरबेस मौजूद है। आपको बता दूं कि ड्रैगन लगातार भारत के खिलाफ नई नई चालें चलता रहता है। सबसे बड़ी चाल अब निकलकर सामने आई है कि चीन एक बहुत बड़ा एयरबेस जो है वो LAC पर बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। कई जो विमान है वहां पर मौजूद भी हैं, कई युद्धक विमान ही बताए जा रहे हैं, सेना जो है वो भी मौजूद कर दी गई है। इससे पहले अगर 2020 का हम जिक्र करें तो चीनी सैनिक लगातार कई घाटियों में भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करते रहे हैं। तमाम वीडियो भी सामने आ चुके हैं, लेकिन चीन कभी इसके लिए राजी नहीं होता है। अगर गलवान घाटी की बात की जाए तो चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे और भारतीय सैनिकों की भी शहादत हो गई थी। तो ऐसे में अभी कहा जा सकता है कि भले ही हम लगातार चीन को माफ करते रहें, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता है। ड्रैगन चालों पे चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बड़े एयरबेस का मकसद यही है कि आने वाले समय में लगातार दबाव ये भारत पर बनाने की कोशिशों में लगा रहेगा। यूरोप के बाद अब चीन में मूसलाधार बारिश के कारण दो बांध ढहने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। बांध ढहने का यह हादसा रविवार दोपहर चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इनर मंगोलिया में हुआ है। जल संसाधन मंत्रालय ने बताया कि इनर मंगोलियाई शहर हुलुमबुइर में 46 मिलियन क्यूबिक मीटर की संयुक्त जल भंडारण क्षमता वाले जलाशय बनाए गए थे, जो रविवार दोपहर ढह गए। उन्होंने गर्मियों के मौसम के दौरान बाढ़ के खतरे के मद्देनजर पुराने निर्माणों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बांध से नीचे की ओर आ रहे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
प्रशासन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी है कि बांध ढहने के बाद आई बाढ़ के कारण करीब 16,660 लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही 53,807 एकड़ खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के बुनियादी ढांचे को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो फुटेज के मुताबिक हादसे का शिकार हुए दो बांधों में से एक पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसके चलते आसपास के खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। चीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दो बांध ढहने से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि फिलहाल चीन की तरफ से किसी की जानमाल का नुकसान नहीं बताया गया है, लेकिन तस्वीरें देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जो निचले शहर थे, जो डैम के पास थे, वहां पर नागरिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके जो आशियाने हैं पूरी तरह से ढह गए हैं। अब देखिए कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकान कहाँ थे, कहाँ इंडस्ट्री थी, समझ नहीं आ रहा है। सुरक्षित लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लगातार भेजा जा रहा है। चीन की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बारिश के कारण यहां पर आपदा आई, दो बांध पूरी तरह से ढह गए हैं। अमेरिका में पहली बार किसी महिला नाविक ने स्पेशल वॉरफेयर कंबेटेंट क्राफ्ट क्रूमन बनाने के लिए नौसेना का ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है। इस कोर्स की ट्रेनिंग 37 सप्ताह की होती है। हालांकि पेंटागन की नीति के तहत इस महिला नाविक का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। अमेरिकी नौसेना अधिकारियों के अनुसार SWCC कोर्स को पूरा कराने वालों की टुकड़ी में 17 स्नातक शामिल थे। इस कोर्स के लिए कुल आवेदकों में से केवल 35% ही से पूरा कर पाते हैं। यूएस नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड के कमांडर रियर एडमिरल HW हर्डवर्ड ने कहा है कि नेशनल स्पेशल वॉरफेयर ट्रेनिंग पाइपलाइन से कोर्स करने वाली पहली महिला बनना एक असाधारण उपलब्धि है। हमें अपनी टीम के साथियों पर गर्व है। हम अब तक कुल 18 महिलाओं से SWCC या सील बनने के लिए आवेदन किया है। उनमें से 14 कोर्स पूरा करने में असमर्थ थी, 3 की ट्रेनिंग अब भी चल रही है। इस कोर्स में आवेदकों को हथियारों और नेविगेशन में एक्सपर्ट माना जाता है। साथ ही उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि मालवाहक विमानों से वे समुद्र में अपनी स्पीड बोट कैसे गिराएं। पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद नेवी सेल्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी एक रास्ता खुलता है। 2016 में अमेरिका में महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं में कम करने की अनुमति भी दी गई है। हालांकि इस महिला का नाम तो उजागर नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। 35% आवेदक ही इसे पूरा कर पाते हैं। 3 महिला इसमें शामिल हुई हैं, जिनमें से अभी 3 की ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी तरह से टफ होती है। महिला नाविक जो कि बेहद खुश इन तस्वीरों में नजर आ रही है, कैसे पैराशूट का इस्तेमाल करना है, कैसे वाटर बोट गिरानी है, तमाम चीजें इन्हें सिखाई जाती है। हर बात पर कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दरअसल इमरान ने शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने खुद को कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर बताया है। पाकिस्तानी एक अखबार के अनुसार खान ने कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर होने का दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ जुड़ा हुआ है। कुरान का हवाल देते हुए पाकिस्तान के PM ने कहा है कि वो दुनिया भर में कश्मीरियों के मामले को उनके राजदूत और वकील के रूप में उठाते रहेंगे। इमरान का यह भाषण 25 जुलाई को POK में होने वाले आगामी चुनावों के बीच आया है। बढ़ते कर्ज और खराब आर्थिक रिकॉर्ड के बीच खान ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आर्थिक मॉडल और चीन के अपनाए गए ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण की सराहना की है, लेकिन बयानबाजी इमरान खान लगातार करते रहते हैं। पिछले कई सालों से उनकी बयानबाजी लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन उनके बेतुका बयानों का कोई भी मतलब निकलकर सामने नहीं आता है। कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को बता रहे हैं, इस बात में कोई भी प्रमाणिकता नजर नहीं आती है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच हज यात्री बीते शनिवार से शुरू हो गई है। सऊदी अरब ने महज 60,000 लोगों को हज पर आने की इजाजत दी है, और उनमें भी जो सऊदी में रहते हैं। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों की यात्रा की इजाजत दी गई है।
कोरोना महामारी के इस दौर में होने वाली हज यात्रा हर साल होने वाली हज यात्रा से बहुत अलग है। हज करने आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और मास्क पहनकर रखने की अपील भी की जा रही है। इस बार सऊदी अरब के यात्रियों को लॉटरी सिस्टम से चुना गया है। हज के लिए सऊदी अरब 5.58 लाख लोगों में से केवल 60,000 लोगों को चुना है। चुने गए सभी लोगों को बिना किसी लंबी बीमारी वाले होने चाहिए, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके होने चाहिए, ये शर्तें रखी गई हैं। तो हज यात्रा शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बार की हज यात्रा कोरोना काल की वजह से पूरी तरह से बदल गई है। 5 लाख हर साल जो हज यात्री हैं वो हज के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार अनुमति सिर्फ 60,000 लोगों को दी गई है। वो भी उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करना होगा, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी चीजों का उन्हें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ लॉटरी सिस्टम यहाँ पर रखा गया है, यानी कि सीधे आप डायरेक्ट हज के लिए नहीं जा सकते हैं, लॉटरी में अगर आपका नाम आता है तो ही आप हज यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस आज स्पेस मिशन पर जाने को तैयार हैं। जेफ बेजोस अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले अरबपति भले ही ना हो, लेकिन वो इस उड़ान के साथ एक नया इतिहास रचने वाले हैं। मंगलवार को बेजोस अपने भाई के साथ स्पेस में जा ही रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने साथ सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा एस्ट्रोनॉट को लेकर जा रहे हैं। इससे पहले भी हम इस तरह की खबरें लगातार आपको दिखा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा के दौरान बेजोस को 11 मिनट तक ही अंतरिक्ष में रहेंगे। बेजोस ने सीबीएस के द लेट नाइट शो विद स्टीफन कोबेर पर अपने साथी यात्रियों से कहा, सिट बैक, रिलैक्स, खिड़की के बाहर देखिए और बाहर व्यू को महसूस कीजिए। बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस जिस रॉकेट से जा रहे हैं ये पूरी तरह से ऑटोनॉम्स हैं, हालांकि इसमें भी खतरा बना हुआ है। अंतरिक्ष को जीतने का जो सपना अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने साल 2000 में देखा था, वो साल 2021 में पूरा होने जा रहा है। जेफ बेजोस के सपने को स्पेस शटल पूरा करेगा। 60 फुट लंबे इसी स्पेस शटल से जेफ बेजोस 20 जुलाई को धरती से अंतरिक्ष की सैर पर रवाना हो जाएंगे, जिसे स्पेस शटल न्यू शेफर्ड से 4 टूरिस्ट स्पेस में जाएंगे। उसे बनाने वाली टीम में भारतीय संजल गवांडे भी शामिल है, यानी कि जेफ बेजोस को अंतरिक्ष भेजने में भारत की बेटी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत ने टोक्यो के लिए निशानेबाजी में 15 कोटे हासिल किए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के लिए निशाना साधने वाले खिलाड़ियों में अनुभव और युवा जोश का ऐसा मिश्रण है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। भारतीय दल में अधिकतर ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। अगर अनुभवी खिलाड़ियों की बात की जाए तो स्कीच में उतरने वाले मेराज अहमद खान 45 साल, राइफल खिलाड़ी तेजस्विनी सामत 40 साल, संजीव राजपूत 40 साल, अंजुम मोदगिल 27 साल, अपूर्वी चंदेला 28 साल, दीपक कुमार 33 साल, पिस्टल खिलाड़ी अभिषेक वर्मा 31 साल और राही सरनोबो 30 साल की हैं। युवा खिलाड़ियों की बात की जाए तो पूरे जोश के साथ टोक्यो में शूटिंग रेंज पर उतरकर निशानेबाजी की विभिन्न स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो इनमें मनु भास्कर, सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और यशविनी देसवाल शामिल है। ये 5 युवा निशानेबाज पदक पर निशाना साध सकते हैं और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी लगातार बनी हुई है भारतीय लोगों को, भारतीय युवाओं को और भारतीय सरकार को। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर श्रीलंका जहां सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगी, तो वहीं टीम इंडिया अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहेगी। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा, यानी कि आप वहां जाकर आराम से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। शिखर धवन के नेतृत्व वाली टीम ने श्रीलंका को पहले मैच में 7 विकेट से मात दी थी। भारतीय टीम के पास श्रीलंका में अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखने का बेहतरीन मौका है। टीम इंडिया वनडे फॉर्मेट में 2012 से श्रीलंका में अपराजेय रही है।
वो 24 जुलाई 2012 के बाद श्रीलंका में एक भी वनडे नहीं हारी है। भारतीय टीम श्रीलंकाई धरती पर लगातार 9 वनडे मैच में जीत दर्ज कर चुकी है। टीम इंडिया के अलावा किसी भी टीम ने श्रीलंका में लगातार इतने मैच नहीं जीते हैं। टीम इंडिया के पास श्रीलंका को सीरीज के दूसरे वनडे में हराकर लगातार 10वीं जीत करने का बहुत बड़ा मौका है। उम्मीद है कि भारतीय टीम इस मौके पर खरा उतरेगी। तो आज दूसरा वनडे मैच जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच आज दोपहर 3 बजे के बाद खेला जाएगा, जो कि कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। आपको बता दें कि अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेट टीम की, तो लगातार वनडे में टीम इंडिया जीत हासिल करती रही है। जब जब श्रीलंकाई धरती पर भारतीय टीम उतरी है तो जीत दर्ज की है। आज अगर भारतीय टीम जीतती है तो ये 10वां मौका होगा जब भारतीय टीम अपनी जीत दर्ज करेगी। वहीं श्रीलंका पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पहला मैच श्रीलंका हार चुकी है, तो आज श्रीलंका के पास मौका है करो या मरो का। लेकिन टीम इंडिया का जज्बा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि 7 विकेट से पिछला मैच जो है वो श्रीलंका को भारतीय टीम ने हराया था। शिखर धवन इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में आज उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग और बैटिंग होने जा रही है। देखना होगा कि टॉस कौन सी टीम जीतती है और फिर आगे क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल जो क्रिकेट प्रेमी हैं पूरी तरह से उत्सुकता के साथ मैच का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी लगातार खुशनुमा बना हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा हिस्सा सितंबर अक्टूबर में यूए में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के बीच हुए मैचों में कई विदेशी खिलाड़ियों के खेलने की संभावना कम है। इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी शामिल है। स्टार ऑलराउंडर बेन स्कॉट्स और तेज गेंदबाज पैट कमिंस सीजन के बचे हुए मैचों से गायब रह सकते हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी सख्त रुख अपना लिया है। बीसीसीआई के अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट को बताया है कि अगर विदेशी खिलाड़ी IPL 14 के बचे मैच नहीं खेलते हैं तो उनको प्रो राटा के आधार पर पैसा दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों की सैलरी काटने का पूरा अधिकार है। बता दें कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल का पूरा सीजन खेलता है तो उसे 12 महीने में 3 से 4 किस्त में सैलरी दी जाती है। वहीं अगर कोई खिलाड़ी पूरा सीजन नहीं खेल पाया तो ऐसे में उसे प्रो राटा के आधार पर भुगतान किया जाता है। तो बीसीसीआई के विदेशी खिलाड़ियों को 2 टूक नजर आई है। बीसीसीआई ने 2 टूक कह दिया है खिलाड़ियों को कि अगर वो पूरा सीजन खेलते हैं तो ही उन्हें सैलरी मिलेगी, अगर वो पूरा मैच नहीं खेलते, पूरी सीरीज नहीं खेलते, तो फिर उनको उनका भुगतान करना होगा। और देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।